वक्त उतरवा दूंगी, बस शांत रहे। भारतीय जनता पार्टी की एक जिलाध्यक्ष द्वारा पुलिस कर्मियों को धमकाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल सोमवार रात मथुरा वृंदावन मार्ग स्थित सौशैया अस्पताल के पास भाजपा जिलाध्यक्ष मधु शर्मा अपनी गाड़ी से गुजर रही थी, तभी वहां तैनात पुलिस कर्मियों ने चेकिंग के लिए उनकी गाड़ी को हाथ देकर रुकने का इशारा किया। इस पर गाड़ी में बैठी जिलाध्यक्ष बाहर निकली और पुलिस कर्मियों पर भड़क गई। उन्होंने पुलिस कर्मियों को जमकर हड़काया, पुलिस कर्मियों को उनकी वर्दी उतरवाने की चेतावनी दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। खोलो भैया, कर रहा मैंने, मेरे ऊपर हाथ पाई और करी है ना। अब चुप हो जा, मैं कह रही हूं, मैं मधु शर्मा जिलाध्यक्ष, एक जवान अगर तूने आवाज बोला तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं, तेरी वर्दी अभी इसी से वक्त उतरवा दूंगी, बस शांत रह। बस जब तक चुप रहती हूं तब तक चुप रहती हूं। चौकी इंचार्ज है, चौकी के इंचार्ज की हैसियत से रह। ये चौकी इंचार्ज है, जो भी है अड्डा पे, केशव धाम पे, मतलब चौकी इंचार्ज के लिमिट में नहीं है। कोई कहीं नहीं, यही पर है सब, एक भी नहीं जाएगा। बनाता रहे तू वीडियो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल। इस वीडियो में जिलाध्यक्ष के समर्थक पुलिस कर्मियों को हड़का रहे हैं कि ड्यूटी लगी है तो सिर्फ नौकरी कर। वह यही नहीं रुकी, इसके बाद उन्होंने पुलिस कर्मी को हड़काते हुए कहा कि तू चुप हो जा, मैं कह रही हूं मधु शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष मथुरा, अब तूने एक शब्द भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तेरी वर्दी भी अभी उतर जाएगी। पुलिस कर्मियों से अशिष्ट भाषा का प्रयोग करने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। पुलिस कर्मियों का कहना था कि चुनाव आचार संहिता का पालन कराने के लिए उन्होंने गाड़ी को रुकने का इशारा किया था, लेकिन इस पर जिलाध्यक्ष झल्ला गई। इस मामले में जब भाजपा जिलाध्यक्ष से बात करने का प्रयास किया गया तो उनसे संपर्क नहीं हो सका। हालांकि भाजपा के जिला प्रवक्ता सचिन चतुर्वेदी ने कहा कि भाजपा विरोधी मानसिकता वाले पुलिसकर्मी जानबूझकर जिलाध्यक्ष की गाड़ी को रोक रहे थे, ऐसे पुलिसकर्मियों को चिन्हित किया जा रहा है, इनकी रिपोर्ट ऊपर भेजी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।